दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों आज काल भैरव जयंती है, इसलिए आप सभी व्यूअर को और सब्सक्राइबर को मेरे हृदय से काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों काल भैरव जयंती शुरू होगी आज सुबह 5:45 से, जो कि चलने वाली है कल सुबह 6:02 तक। तो आप इस बीच यदि काल भैरव की साधना करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सकता है और आप पाएंगे कि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है। दोस्तों हर महीने की जो अष्टमी होती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसको कालाष्टमी कहा जाता है और उस दिन व्रत भी रखा जाता है, मगर मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी को ही काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस दिन यदि आप भैरव की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप इस दिन यानी कि आज का दिन है जो शनिवार, उस दिन भैरव की पूजा करें। भैरव की पूजा में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं और आप यदि मंत्र साधक हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से या काली माला से ओम काल भैरवाय नमः या ओम बटुक भैरवाय नमः का माला जाप कर सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 या 11 आपकी शक्ति अनुसार और समय अनुसार, क्योंकि इस कलयुग में दोस्तों भैरव की दो रूपों की ही ज़्यादा पूजा होती है, एक काल भैरव की और दूसरी बटुक भैरव की। तो आप इन दोनों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप भैरव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं जो ये जो भैरव हैं वो शिव का स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए आप यदि इस दिन शिव की पूजा करते हैं तो भी भैरव बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न होते हैं, मगर जो भी लोग अनैतिक कार्य करते हैं उनसे ये रुष्ट हो जाते हैं। और जो भैरव के साधक होते हैं यदि उनके साथ कोई अनैतिक कार्य करता है तो भैरव की साधना करने से उन लोगों को भैरव दंड देते हैं। तो ऐसी मान्यता है दोस्तों, भैरव जो है वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आप यदि अच्छे कार्य करते हैं, दयालु हैं, लोगों की मदद करते हैं तो आपके ऊपर ये बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आज आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं, इस दिन आप नमक ना खाएं, आप फलाहार कर सकते हैं, भैरव का जो मैंने मंत्र बताया ये दोनों मंत्र जाप करिए, भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप इस दिन शिव मंदिर में जो बेली पत्र होते हैं, बिल्व पत्र होते हैं, उसमें चंदन से ओम नमः शिवाय ऐसे 21 बिल्व पत्र में रखें और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए चढ़ाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, इतनी इसमें पावर होती है। और दूसरा दोस्तों आप इस दिन क्या कर सकते हैं, भैरव को आप जलेबी और नारियल चढ़ाएं जिससे भैरव प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप जानते हैं भैरव का जो वाहन है वो स्वान है यानी कि कुत्ता है, आप भैरव साधना के साथ साथ ही कुत्ते को भी आप कुछ भी खिलाएं। आप चाहे तो उन्हें जलेबी खिला सकते हैं, आप चाहे कुत्ते को कुछ भी खिला सकते हैं, मगर विशेषकर यदि आप काले कुत्ते को खिलाएंगे तो भैरव जल्दी प्रसन्न होते हैं और इससे आपका शनि ग्रह भी दोस्तों प्रसन्न होगा। यदि आपकी 7:30 चल रही है या ढैया चल रही है तभी भी आप भैरव की साधना करिए। भैरव की साधना के लिए दोस्तों जो दिन होता है वो शनिवार भी है, रविवार भी है, आप शनिवार और रविवार को आप भैरव की साधना कर सकते हैं। इस साधना के बाद आपको जो भी रिजल्ट आता है नीचे कमेंट करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप इस वीडियो को अप्लाई करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करोगे और अपने जीवन की सभी समस्याओं को का समाधान करोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपको मेरे चैनल में देखने के लिए मिले। नमस्कार, धन्यवाद।